Good morning, students. Now again, we are coming to read computer. फिर से हम लोग कंप्यूटर पढ़ने के लिए आ गए हैं और यह हमारा दूसरा क्लास है. पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मशीन क्या होता है, मशीन कैसे वर्क करता है, मशीन कितने टाइप्स के होते हैं. और पहला टाइप था हमारा ऑटोमेटिक मशीन, दूसरा था, पहला था मैनुअल मशीन और दूसरा था ऑटोमेटिक मशीन. मैनुअल मशीन में हम लोगों ने यह जाना था कि इट वर्क्स विद ह्यूमन एंड एनिमल पावर, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे. जैसे देखिए, आप लोगों का ये पेंसिल है, आप लोग इसको शार्प करते हैं, शार्पनर से करते हैं या फिर ब्लेड से करते हैं, ये हमारा क्या है, मैन पावर है. यानी कि ये हमारा जो है मैनुअल मशीन है. अब दूसरा देखिए, आप लोग नाम सुने होंगे तीर और धनुष, यानी कि एरो एंड बो का. तो देखिए, उसी के तरह का तीर और धनुष तो हम लोग ला नहीं सकते, इसीलिए उसी का एग्जांपल देते हैं. आप लोग बचपन में एक रबर लेते थे और अपने दोस्तों को तंग करने के लिए इस रबर में एक कागज के टुकड़े को बांधते थे, इसको अपने पीछे के साइड खींचते थे और फिर इसको छोड़ देते थे. तो ये भी जो आपका है ये मैनुअल मशीन में ही आता है, इसमें भी हमारा अपना एफर्ट लगा हुआ है. या फिर आप अपना नेल काटते हैं नेल कटर से, वो भी आपका मैनुअल मशीन है. या फिर आप सीजर से किसी पेज को काटते हैं, ये भी आपका एक मैनुअल मशीन ही है. तो अब हम लोग आते हैं, मैनुअल मशीन तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, अब हम लोग आते हैं ऑटोमेटिक मशीन पे. तो सबसे पहले देखते हैं ऑटोमेटिक मशीन क्या होता है. तो देखिए, ऑटोमेटिक मशीन या ऑटोमेटिक का मतलब तो आप लोग जानते ही है, जो खुद अपने आप चलता हो, जिसमें हम लोगों को अपना एफर्ट नहीं देना पड़ता. देखिए, ऑटोमेटिक मशीन का डिफिनेशन है, सम मशीन यूज पावर टू वर्क. कुछ ऐसे मशीन जिनको चलने के लिए, मूव करने के लिए पावर का, ऊर्जा का, शक्ति का यूज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक मशीन. दीज मशीन्स आर कॉल्ड ऑटोमेटिक मशीन. और मशीन दैट रन ऑन फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी, या फिर वैसा मशीन जो फ्यूल पे चलता हो, ईंधन पे, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, किरोसिन हो गया, और बहुत सारे ऐसे ईंधन है जिस पर हमारा मशीन रन करता है. जैसे आप कार को रन करते हैं तो उसमें डीजल या पेट्रोल देते हैं, मोटरसाइकिल को रन करते हैं उसमें डीजल देते हैं, घर में अपना लैंप या फिर कोई भी लालटेन जलाते हैं उसमें आप मिट्टी का तेल यानी किरोसिन ऑयल देते हैं, या फिर दिया जलाने के लिए अपने दिए में तिल का या फिर सरसों का तेल देते हैं. तो ये सब हमारा क्या हो गया, फ्यूल हो गया. मशीन गेट पावर फ्रॉम फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी. मशीन अभी तक तो फ्यूल से पावर ले रहा था, लेकिन मशीन इलेक्ट्रिसिटी से भी पावर लेता है. इलेक्ट्रिसिटी से पावर कैसे लेता है, आप अपने घर में टेलीविजन देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. आपके घर में फैन चलता होगा, कूलर चलता होगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. आपके घर में फ्रिज होगा, वॉशिंग मशीन होगा, ये सारे किस से चलते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं. तो हमारा मशीन क्या करता है, ऑटोमेटिक मशीन, द मशीन विच इज यूज्ड टू वर्क फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल, यानी कि जिसको मूव करने के लिए किसी चीज का जरूरत होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑटोमेटिक मशीन. और एग्जांपल भी आप लोग देख लिए, फ्यूल से चलने वाला कार, बस, शिप, और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला फैन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन. और आप लोग 5-5 या 10-10 ऐसे मशीन का नाम लिखिएगा, आप लोग का ये वर्ड रहा कि आप लोग 5-5 और 10-10 ऐसे मशीन का नाम लिखिएगा जो फ्यूल पर चलता है और इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है. अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मैनी मशीन्स ऑल्सो रन सोलर पावर सप्लाई.
अब आप लोग बहुत सारे ऐसे मशीन भी देखे हैं जो सोलर पावर सप्लाई यानी कि सौर ऊर्जा पर चलता है। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं कि आखिर वो मशीन कौन कौन से हैं। तो देखिए, आपका सबसे पहले आपके घर में टॉर्च होगा, या फिर आप लोग अपना मोबाइल फोन ले लीजिए, इसमें देखिए ये आपका टॉर्च हो गया, ये चार्ज होता है उसके बाद चलता है। ऐसे ही वैसा मशीन जो आपका सोलर से चार्ज होता है और उसके बाद फिर से चलता है। सोलर ऊर्जा भी तो एक आपका पावर ही हुआ ना, क्योंकि वो भी तो कुछ ना कुछ करता है, उसके बाद आपका बैटरी चार्ज होता है। तो इसीलिए उसका एग्जांपल आपका है सोलर लालटेन होगा आपके पास, आपके पास सोलर कुकर होगा। ये सारे चीज जो आपका है वो सोलर एनर्जी पर चलता है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अब हम लोग देखते हैं कि आखिर मैनुअल मशीन और ऑटोमेटिक मशीन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, अ मैनुअल मशीन वर्क्स बाय फिजिकल एफर्ट, यानी कि जो हम लोगों के एफर्ट के द्वारा, मतलब हम लोग काम करते हैं उस ऊर्जा के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा जो काम होता है उसको हम लोग मैनुअल मशीन कहते हैं, और ऑटोमेटिक मशीन में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें चलने के लिए फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी का नीड होता है। दूसरा है, अ मैनुअल मशीन डज नॉट नीड फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी, वही हो गया, आपका जो मैनुअल मशीन है उसमें आपको फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगता है, लेकिन आपका एनर्जी लगता है। और आपका जो ऑटोमेटिक मशीन होता है उसमें आपका फ्यूल और एनर्जी लगता है, लेकिन आपका एफर्ट नहीं लगता है। तो अब हम लोगों का ये क्लास एंड हुआ। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आप लोगों को करने के लिए दे रहे हैं, ये देख लीजिए। नेम फाइव मशीन विच वर्क्स ऑन फ्यूल, आपको पांच ऐसे मशीन का नाम लिखना है जो फ्यूल पर वर्क करता है, जैसे डीजल, पेट्रोल, किरोसिन ऑयल, इस सब पे जो यूज होता है उसे पांच मशीन का नाम लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम फाइव मशीन वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और आपको पांच ऐसे मशीन का नाम लिखना है जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली पे चलती है, और उसका नीट एंड क्लीन डायग्राम भी बनाना है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। थैंक यू।